वेलकम टू डिजाइन ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग रिव्यू। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ साथियों डिफरेंट मिक्स रेशियो ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जी हाँ साथियों, डिफरेंट डिफरेंट मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट में कितना कितना मिक्स प्रोपोर्शन लिया जाता है उसको बताऊंगा। तो इसमें दो कलम अपन ने लिए हैं साथियों, एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट और उसका मिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। ये सभी को याद होना चाहिए जितने भी सिविल इंजीनियर की जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी मिस्त्री है, ठीक, या ठेकेदार है, वो सभी को इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो इसलिए उसको आज जानेंगे कि किस प्रकार से याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा साथियों। तो देर आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और देखिए, ठीक है। तो ये शुरुआत करते हैं। यह ज़्यादातर बिल्डिंग बनाने के लिए यूज होता है साथियों। इसमें हम मुख्यतः छः प्रकार के जो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है उसको उसके ऊपर मतलब चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, हम देखेंगे पहले AM5 के बारे में, ठीक। इसके मतलब मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा रुकिए। देखिए AM5, उसके बाद अपन देखेंगे AM7.5, ओके। उसके बाद हम AM10 के बारे में देखेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट में, और उसके बाद अपन देखेंगे AM15, ओके। उसके बाद M20 के बारे में देखेंगे कितना होता है उसका मिक्स रेशियो। उसके बाद लास्ट में अपन देखेंगे M25 ग्रेड के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पास M5 से लेकर M25 तक के ग्रेड के बारे में अपन मिक्स रेशियो देखेंगे, ठीक। इसको याद करने का वेरी इजी तरीका बताऊंगा साथियों। तो देखिए, इस पर मैं आप लोगों को पहले इसके बारे में बता देता हूँ कि M5 का मीनिंग क्या होगा हमारे सिविल इंजीनियरिंग लैंग्वेज में। M5 को लिखा जाता है साथियों, तो याद रखिएगा, इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया गया है। M का मतलब होता है मिक्स, और 5 का मतलब होता है साथियों 28 दिन। 28 दिन में एक क्यूब बना के रखा जाता है, ठीक है। जो रेशियो बताऊंगा उसमें एक क्यूब बनाया जाएगा, और उसका जो 28 दिन में जो भी स्ट्रेंथ प्राप्त होता है उसको हम 5 के नाम से जानते हैं। तो देखिए साथियों, M का मतलब है यहाँ पर, M का मतलब है मिक्स, ठीक, मिक्स। और 5 का मतलब है 28 डेज क्यूबिक या क्यूबिकल स्ट्रेंथ, ओके साथियों। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, 5 का मतलब है 28 डेज, ठीक है। 5 का मतलब 28 डेज क्यूबिकल स्ट्रेंथ, एक क्यूब बनाया जाएगा और उसके स्ट्रेंथ 28 दिन में कितना मिलता है उसको चेक करते हैं साथियों, और हमें इतना स्ट्रेंथ मिलता है। अर्थात इसको लिखा जा सकता है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। इस प्रकार इसका स्ट्रेंथ रहता है साथियों, इस प्रकार से इसका यूनिट रहता है। तो आइए जानते हैं हम एक एक मिक्स प्रोपोर्शन के बारे में। तो देखते हैं साथियों M5 में कितना होता है। तो याद रखिएगा 1, ठीक, इसमें याद रखिएगा ये सीमेंट है साथियों, 1 सीमेंट। उसके बाद 5 आपका फाइन एग्रीगेट या फिर सेंट कहा जा सकता है, और यहाँ पर 10 रो होगा, ठीक है। 10 रो होगा, वो एग्रीगेट है साथियों या कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो याद रखिएगा M5 का जो मिक्स रेशियो रहता है वो 1:5:10 का होता है। उसी प्रकार M7.5 का देखते हैं, तो इसका होगा साथियों 1:, इससे एक कम कर देंगे। याद रखिएगा यहाँ पर 1:5:10 है, तो याद रखिए 1:5 का जस्ट डबल कर दिया गया है, तो 10 हो गया साथियों। तो M5 का 10 हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसी प्रकार M7.5 का देखते हैं, तो यहाँ पर रहेगा साथियों, इससे एक कम लेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, M7.5 का। और यहाँ पर इससे 2 कम लेंगे तो 8 हो जाएगा साथियों, और यहाँ पर देखा जाए तो 4 का दोगुना कितना है 8, ठीक है। तो इस प्रकार से M7.5 का रेशियो ये होगा,
एक उसी प्रकार हम टेन का देख लेते हैं, वन रेशियो, यहाँ पर अब इसका कितना हो जाएगा साथियों, तो थ्री हो जाएगा, एक कम लेंगे तो ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर सिक्स हो जाएगा, इससे दो कम, ठीक है, सॉरी हाँ दो कम ठीक, और इसका जस्ट डबल हो गया, तीन दूनी छः ठीक। तो इस प्रकार से वन रेशियो थ्री रेशियो सिक्स होता है एम टेन का, ओके। उस प्रकार से आगे देखते हैं एम फिफ्टीन का देखते हैं, तो इसका इससे एक कम ले लेंगे टू हो जाएगा ठीक, और इससे जस्ट डबल करेंगे तो फोर हो जाएगा साथियों। तो याद रखिएगा एम फिफ्टीन का वन रेशियो टू रेशियो फोर कोर ठीक है, वन सीमेंट टू सेंड और फोर एग्रीगेट ठीक। उसी प्रकार एम ट्वेंटी का देख लेते हैं, तो इसमें वन रेशियो यहाँ पर 1.5 हो जाएगा साथियों, इसमें हाफ कम होगा और इसका दोगुना कर देंगे वो 1.5 का तो 3 हो जाएगा ठीक। तो इस प्रकार से 1:1.5:3 होता है एम ट्वेंटी का, इतना बात को आप लोग जरूर याद रखिए। और लास्ट देखने जा रहे हैं अपन एम ट्वेंटी फाइव थ्रेड का कितना होता है, तो 1:1 ठीक, 1:1 और 1 का दोगुना करेंगे तो 2 होगा साथियों ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एम ट्वेंटी फाइव का 1:1:2 होता है साथियों, इसका मिक्स रेशियो। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को एम फाइव का मतलब भी बता दिया, और जो फाइव लिखा है वो कितने दिन में हमें प्राप्त होता है उसके बारे में भी मैंने बता दिया। अगर आप इस प्रकार से मिक्स करके एक क्यूब बनाते हैं ठीक, और उसको 28 दिन रखते हैं, तो हमें इतने इतने जो भी जैसे फाइव ठीक है, फाइव है यहाँ पर, तो फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, यहाँ पर 7.5 है तो 7.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर एम टेन है तो 28 दिन में 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर मिलेगा। उसी प्रकार एम फिफ्टीन है तो 15 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर मिलेगा 28 दिन में। उसी प्रकार इस रेशियो में बनाएंगे तो 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर उसका स्ट्रेंथ हमें मिलेगा। उसी प्रकार हम 25 का करेंगे तो इस यदि प्रोपोर्शन में बनाएंगे या रेशियो में बनाएंगे तो हमें 28 दिन में 25 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर का स्ट्रेंथ हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस ग्रेफ को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन किया जाता है साथियों, जो कि आपके डिजाइनिंग के लिए काम आता है, कोई भी बिल्डिंग वगैरह या कोई भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके लिए ये सब काम आता है ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ज़्यादातर ये एम फाइव से लेकर एम ट्वेंटी फाइव तक का रेशियो ज़्यादातर यूज होता है साथियों, इसलिए मैंने इतने रेशियो के बारे में बताया। इसके आगे के रेशियो बड़े बड़े हाई जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं बड़े बड़े ठीक, लॉन्ग स्ट्रक्चर वगैरह जैसे वाटर वगैरह के लिए स्ट्रक्चर हो गया, रोड वगैरह के लिए हो गया, ये सब के लिए एम थर्टी के बाद जो भी रेशियो होता है वो सब यूज होता है। हाई हाई मतलब लार्ज लार्ज जितने भी ब्रिज होते हैं उसके लिए इसके आगे का जो भी रेशियो रहता है वो सब मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होता है। इतना चीज़ को आप लोग जरूर याद रखिएगा, इतना ग्रेड जिसको बताया हूँ वो केवल बिल्डिंग वगैरह के लिए बस ज़्यादातर यूज होता है ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सभी समझ आ गया होगा। तो बस साथियों आज के स्टूडियो में बस इतना ही, आज के इस वीडियो में मैंने बताया डिफरेंट मिक्स रेशियो ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में ठीक है। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और जरूर याद रखिए साथियों मैंने ट्रिक भी बता दिया है कि देखिए इसका दुगुना हुआ है, इसका भी दुगुना हुआ है, इसका दुगुना हुआ है, इसका दुगुना हुआ है, इसका दुगुना हुआ है, और ये बीच वाले का मतलब सभी के बीच एक एक कम करते करते यहाँ पर बस 0.5 कम किया गया साथियों ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जरूर याद रख सकते हैं चीज़ों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए साथियों, और जरूर अच्छे से पूरा वॉच कीजिए, और अपना नॉलेज सिविल इंजीनियरिंग में अच्छे से अच्छा बढ़ाइए, और इसे सामान्य पर्सन को भी याद होना चाहिए यह सब चीज़। आजकल हर कोई मकान बनवा रहे हैं, इसलिए सामान्य जो भी जितने भी पर्सन हैं व्यक्ति हैं उन्हें भी यह सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।